हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला का आज का ये वीडियो सीजीपीएससी ई पाठशाला टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जो आपके डाउट्स पूछे गए हैं उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स आज क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया गया है। ध्यान से समझिएगा, आज के इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आपको कैसे मिलेगा। बाकी तो मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के माइंड में इस चीज़ को लेकर डाउट है। तो प्रश्न पत्र कैसे मिलेगा, क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, रैंक कैसे पता चलेगा, ये सारे डाउट आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये आपका 15 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। पहली चीज़ तो ये, आप में से बहुत लोग को तो डेट ही याद नहीं है, 15 सितंबर को लास्ट डेट मानते हुए चल रहे थे। 20 सितंबर को कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पेपर तक का डिमांड कर दिया कि आज पहला दिन है और क्वेश्चन पेपर आया नहीं, मतलब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो कई लोग को तो डेट ही याद नहीं है कि सितंबर चल रहा है कि अक्टूबर चल रहा है, तो थोड़ा डेट याद रखो। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कम से कम डेट तो याद होना ही चाहिए। ठीक, तो 15 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा आपका 20 अक्टूबर से। नंबर ऑफ टेस्ट पेपर मिलेंगे आपके 14 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे ये भी आप में से बहुत लोग के डाउट थे। 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। सीजीपीएससी प्री का टेस्ट पेपर हो रहा है, ऑलरेडी आपका मेंशन किया गया है कि सीजीपीएससी प्री का टारगेट करते हुए हो रहा है, तो प्री में जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, रजिस्ट्रेशन फीस है आपका 300 रुपये। 14 क्वेश्चन पेपर, ऑलमोस्ट लगभग 20 रुपीज़ के आसपास का एक क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है। ठीक, 20 रुपये के आसपास का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। लास्ट ईयर जो हमने टेस्ट पेपर कंडक्ट कराया था उसमें एक टेस्ट पेपर 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का एक टेस्ट पेपर था। इस बार आपका 10 रुपये कम करके आपका एक टेस्ट पेपर 20 रुपये सीधा वन टाइम आपका पेमेंट के बाद आपको पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अभी आगे बताऊंगा पीडीएफ के माध्यम से, कई लोग ये भी डाउट थे। ठीक, पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। 20 रुपीज़ एक क्वेश्चन पेपर का रेट रखा गया है। ठीक, अब कई लोग के डाउट थे जो 300 रुपये है ये स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन चार्ज है, तो इसके बाद हमको, ये तो रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, इसके बाद हमको और भी पर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पे करना पड़ेगा क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंगल टाइम पेमेंट है। सिंगल टाइम आपको 300 रुपीज़ पे करना है। पे कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। गूगल पे आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसके माध्यम से आप पे कर सकते हैं। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट सेम व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, जो उसके बाद आपको नाम और ईमेल आईडी भेजना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, उस लिंक में आपको अपना बेसिक डिटेल, नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, शहर का नाम, जिले का नाम भरकर उसे सबमिट कर देना है। डेट वाइज आपके ईमेल आईडी पर आपके क्वेश्चन पेपर पहुंच जाएंगे। ठीक, अब समझना। अब इसमें से बहुत लोग के ये डाउट है कि हमको क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कैसे मिलेगा, उनका डाउट क्या है समझिएगा। क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चन पेपर क्या हमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। ये चीज़ समझना, पूरे छत्तीसगढ़ भर में स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक क्वेश्चन पेपर या एक मिनिमम से मिनिमम एक डॉक्यूमेंट भेजने का कॉस्ट है स्पीड पोस्ट के माध्यम से 40 रुपये, 40 रुपीज़ एक स्पीड पोस्ट का चार्ज है, मिनिमम अमाउंट है ये। तो 20 रुपये अगर आपने ये ले लिया, मान लीजिए 20 रुपये, पूरा प्रिंट आउट निकाल के इसको मैं अमाउंट 20 ही रुपये रखता हूँ, पूरा प्रिंट आउट निकाल करके प्लस 40 रुपये ऐड कर दूँ तो 60 रुपये होता है एक क्वेश्चन पेपर। 60 रुपये, मतलब अगर देखा जाए तो लगभग आपको उसी क्वेश्चन पेपर, ये 14 क्वेश्चन पेपर का आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 840 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। समझ रहे, क्वेश्चन सेम रहेंगे, सब चीज़ सेम रहेंगे, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। आप चाहते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा, जिस डेट में चाहते हैं उस डेट में मिल जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में जहां आपको 20 रुपये पे करना पड़ रहा है उसके लिए आपको एक क्वेश्चन पेपर का आपको 60 रुपये पे करना पड़ेगा, ये चीज़ें बढ़ जाएगी। उसके अलावा कई लोग के डाउट है कि हमें रैंक कैसे पता चलेगा, कई लोग रैंक की भी डिमांड कर रहे हैं। अब इस चीज़ को समझना, ठीक है, रैंक की डिमांड कर रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ आप जो जो सुविधा चाहते हैं वो सारी सुविधा मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। आप फिलहाल एक स्टूडेंट की लाइफ जी रहे हैं, आप में से बहुत लोग जॉब वाले भी हैं जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन
ये जो CGPSC ई पाठशाला का जो YouTube चैनल है उसमें जो सब्सक्राइबर है उसमें 18 साल या 19 साल से लेकर के आपके आपके लगभग 45 साल के एज ग्रुप के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। सबको टारगेट करके लेते हुए चलना पड़ता है। कुछ जॉब वाले हैं, कुछ अभी भी बैचलर है, कोई स्टूडेंट लाइफ में है, कोई आपके अच्छे फाइनेंशियली आपके गुड है, कुछ आपके फाइनेंशियली वीक भी है, तो सबको टारगेट करते हुए चला जा रहा है। तो उस कारण से एक मिनिमम देखिए, पिछले साल हमारा टेस्ट जो टेस्ट सीरीज था उसमें एक क्वेश्चन पेपर का रेट आपका 30 रुपये था, इस बार उसको घटा दिया गया है 20 रुपये। फैसिलिटी वही है पिछले बार से और अच्छे, एक काफ़ी अच्छे उसमें आपका अच्छे फॉन्ट में भी इसको टाइप करके आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर देखना और समझना उसको। जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर मैं ऐड करूंगा, मान लीजिए मेरे को रैंक करना है, तो आपका क्या करूंगा, एक क्वेश्चन पेपर आपसे मंगवा करके यहाँ पे 4 लोगों को बैठवा करके आपका क्वेश्चन पेपर चेक करवा सकता हूँ, उसके आधार पर रैंक लिस्ट टंगा दूंगा, रैंक लिस्ट YouTube Facebook के माध्यम से आपको बता दूंगा, आपका ओवरऑल छत्तीसगढ़ में आपका रैंक मालूम चल जाएगा। लेकिन क्या मतलब उसी टेस्ट सीरीज जो आपका 30 रुपये है उसी टेस्ट सीरीज का रेट मैं 1000 रुपये कर दूंगा, यानी एक टेस्ट पेपर जो आपका 20 रुपये, वही टेस्ट पेपर जो आपका 20 रुपये का मिल रहा है वही टेस्ट पेपर आपको 70 रुपये एक टेस्ट पेपर का पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग उसको रख भी सकते हैं, मैं बताया ना फाइनेंशियली गुड फाइनेंशियली वीक दोनों कैटेगरी के लोग हैं हमारे पास। तो 20 रुपये का क्वेश्चन पेपर आपको 70 रुपये का पड़ जाएगा एक, क्योंकि जो लोग चेक करेंगे उन्हें भी तो कुछ पे करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे 5 या 10 लोग टेस्ट सीरीज नहीं देने वाले, काफ़ी बड़े अमाउंट में कितने लोग दे रहे वो तो मैं फिलहाल आपको बताने नहीं वाला, लेकिन जितने भी लोग देंगे उतने लोगों का क्वेश्चन पेपर चेक करना मामूली बात नहीं है। एक अकेला मैं अकेले टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर मंगवा कर चेक कराऊंगा तो उन्हें पे करना पड़ेगा, उनको पे करने के लिए जो अमाउंट है वो मेरे को आपसे ही वसूलना पड़ेगा, समझ रहे। क्वेश्चन पेपर वही रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड वही रहने वाला है, लेकिन जो जो फैसिलिटी आप चाह रहे हो उस फैसिलिटी को ऐड करने के लिए मुझे आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट लेना पड़ेगा। 20 रुपये का क्वेश्चन पेपर सेम स्टैंडर्ड का आपको 70 रुपये में मिलेगा, ठीक। दूसरी चीज रैंक पता करना है। देखिए यार, रैंक पता तो आपको करेंगे, काफ़ी अच्छी बात है। मैं तो बोल रहा हूँ देखिए, रैंक की फैसिलिटी अभी बिलासपुर रायपुर में काफ़ी अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर है, जहाँ से आप उनके टेस्ट सीरीज ले लीजिए, वो आपको रैंक भी बता देंगे। 1000 रुपये के आसपास फीस है, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 3000-3000 रुपये तक के आपके टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है। आप जा करके उनसे कॉन्टैक्ट करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज लेने का मतलब देखिए, ये जो मैं टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहा हूँ ये आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए है। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, ये जो टेस्ट सीरीज है आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको खुद चेक करना है। CGPSC में और व्यापम के द्वारा जो टेस्ट पेपर, जो आपके क्वेश्चन पेपर या जो आपके प्रतियोगी परीक्षा जो आयोजित किए जाते हैं व्यापम और PSC के द्वारा, उसमें जितने भी स्टूडेंट अपेयर होते हैं उसमें से 75% लोग पेपर दे के आने के बाद आयोग या व्यापम के द्वारा जो मॉडल आंसर और फाइनल आंसर जारी किए जाते हैं उसको मैच करते ही नहीं है। ये सच्चाई है। केवल 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मॉडल आंसर भी चेक करते हैं और फाइनल आंसर भी चेक करते हैं, बाकी 75% लोग इंतजार करते हैं जब फाइनल रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखेंगे, खत्म करेंगे। उन लोग को जब टेस्ट पेपर देकर के, सॉरी, जो आपका प्रतियोगिता परीक्षा जो देकर के आते हैं व्यापम द्वारा आयोजित या आपके आयोग द्वारा आयोजित, उसमें वो ये नहीं देखते कि जो मॉडल आंसर आया है या जो फाइनल आंसर आया तो कितने क्वेश्चन उनके सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। वही काम आप लोग यहां करने वाले हैं, मेरे को पता है। पेपर दे देंगे, अटेम्प्ट मार देंगे, आपको कोई आपका रैंक बता देगा, हाँ ठीक है हमारा इतना रैंक है, बस खत्म। दोबारा उठा करके चेक करना, मैं तो खुद बताता हूँ, मैंने भी खुद फेस किया है। पेपर चेक करना सबसे आपका समय का बर्बादी टाइप का लगता है शुरू में, लेकिन जब आप पेपर चेक करेंगे ना तो आपको एक माइनर सा माइनर मिस्टेक पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रश्न आता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक, नीचे 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, ठीक। लेकिन आप क्या करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही, बस यहीं तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे जो नहीं है इस पे कई लोगों का ध्यान नहीं जाता है। फिर नीचे टिक मार्क सही कथन ढूंढना चालू करेंगे और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसको राइट अटेम्प्ट मार के आ जाएंगे, वो भी ऑप्शन में मौजूद रहता है। तो ऐसी गलतियां क्वेश्चन बनाते टाइम पकड़ में नहीं आती, लेकिन जब आंसर चेक करते रहूंगा तब मालूम चलता है कि अरे ये तो सही होना चाहिए था लेकिन ये चीज़ गलत कैसे हुआ। कथन वाले क्वेश्चन में जब आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग आ रहा है या कूट आधारित प्रश्न आते हैं, 3-4 स्टेटमेंट दे देता, पूछता है 1-2-3 सही है, 2-3-4 सही है, 3-4-5 सही है, तो उसमें से हर एक कथन को ध्यान से पढ़िए।
क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो भी एक सिंगल जो कथन रहता है उससे नेक्स्ट ईयर का एक फुल क्वेश्चन बन जाता है। तो वो चीज़ों को पढ़ने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है, ना कि किसी से कंपटीशन करने के लिए। रैंक बताने के लिए बता दूंगा, कॉस्ट आप लोग से ही वसूलूंगा, लेकिन उसका भी मेरे को मालूम है। देखिए, मेरे को कॉस्ट बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, मैं तो आपको रैंक भी बताने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि आपको अगर एक बार रैंक पता चल गया तो आप उस क्वेश्चन पेपर को दोबारा उठा के देखने ही नहीं वाले। क्यों? क्योंकि आपको रैंक मालूम चल गया, आंसर की मिला से मतलब ही नहीं, क्योंकि आपका आंसर पेपर तो और कोई और चेक कर रहा है। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता। एक क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है, उसको थोड़ा वैल्यू कीजिए। मिनिमम अमाउंट में देने का कोशिश किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपेयर हो सके। ठीक है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? ऑनलाइन, कई लोग को ये डाउट है कि ऑनलाइन रखना चाहिए था। देखिए, मुझे सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं जैसा चाहूँ मैं वैसा टेस्ट पेपर करूँगा। ऑनलाइन टेस्ट पेपर ऑनलाइन कहाँ होता है? रेलवे के पेपर में, SSC के पेपर में, NTPC के पेपर में। आप लोग ये पेपर दे रहे हैं? आप लोग CGPSC और व्यापम का पेपर दे रहे हैं जिसे पेन और पेपर के माध्यम से सॉल्व किया जाता है, ना कि ऑनलाइन सॉल्व किया जाता है। समझिए इस चीज़ को, मैं तो ये बोल रहा हूँ। इसका मिनिमम कॉस्ट 20 रुपीज़ रखा गया है, मुश्किल से 5 रुपये और देंगे तो इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। प्रिंट आउट लेकर के सॉल्व कीजिएगा। जो प्रिंट आउट लेकर के जो आप एक्सपीरियंस करेंगे वो ऑनलाइन में एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ, जो NTPC रेलवे की तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल भी आप ऐसे पेन और पेपर वाले टेस्ट सीरीज को कभी ज्वाइन मत कीजिए, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, CGPSC और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पेन और पेपर से सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन का डिमांड मत कीजिए। मानता हूँ डिजिटलाइजेशन का जमाना आ चुका है, हर चीज़ आपको एकदम तुरंत चाहिए, तुरंत क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट हो जाए, तुरंत आपको रिजल्ट मालूम चल जाए, तुरंत खत्म करके निकल ले। इससे आप केवल अपना ये जो इतनी सारी भीड़ है उसका रेस का हिस्सा बस बनेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तीसरा, चेकिंग कैसे करेंगे? मेरे भाई, आप ये बोल रहे हो कि टेस्ट सीरीज कंडक्ट भी करा दो और आप ही क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, 20 रुपये के अमाउंट में आप क्या क्या फैसिलिटी चाहते हो? क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड भी मेंटेन करूंगा, क्वेश्चन पेपर चेक भी करूंगा। मेरे भाई, इतनी सारी भीड़ अभी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है, उतने लोगों का अगर मैं टेस्ट पेपर चेक करते रहूंगा ना, मेरे पास खुद समय कम पड़ जाएगा, मेरे को और भी कई काम रहते हैं। तो इस चीज़ को समझो, ये ऐसा ही हलवा वाला चीज़ नहीं है, ये चीज़ों को थोड़ा सीरियस लो। टेस्ट पेपर क्यों लाया जा रहा है? मिनिमम अमाउंट में अच्छा चीज़ आपको मिले उसके लिए लाया गया है। आंसर की कैसे मिलेगा? आंसर की से संबंधित जानकारी, जैसे ही आपका टेस्ट पेपर का लास्ट आप 100वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको उसके नीचे जानकारी मिल जाएगा कि आपका टेस्ट पेपर, वहाँ उसके नीचे एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका आंसर की खुल जाएगा। देखिए, आंसर की मौजूद रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में ही, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। आप अगर सीरियसली देना चाहते हैं तो आप उसको मिनिमम दो घंटे में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, या फिर आपके हाथ में आंसर की लग जाएगा तो आप उसको तुरंत मैच करेंगे। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप हमारे CGPSC ई पार्ट चला के फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए, या यूट्यूब चैनल में ऐड हो जाइए। मॉर्निंग में आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, इवनिंग तक आपको उसका आंसर की फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसका आंसर की आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, फेसबुक में मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, या तो आपको उसी क्वेश्चन पेपर के एंड में एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आपको आपके तक आंसर की पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये सारी फैसिलिटी रखी गई है, चेकिंग आपको करना है। चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोगों के जो डाउट आए हैं, सर चेकिंग आप ही कर दीजिए, ये जो चेकिंग वाला पोर्शन है इसको आप कर दीजिए। मेरे भाई, चेकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेकिंग अगर मैं करूंगा तो आप लोग से आपकी गलती पकड़ में कैसे आएगी? एक क्वेश्चन पेपर को एक बार अटैम्प्ट करके छोड़ना मतलब नहीं है। क्वेश्चन पेपर में गलती कहाँ हुई है, किस प्रकार के क्वेश्चन में कितने माइनर मिस्टेक हुए हैं, किस चीज़ को पढ़ने में गलती हुई है, ये तभी पकड़ में आएगा जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को खुद चेक करेंगे। पेपर जो लोग क्वेश्चन आयोग और व्यापम द्वारा आयोजित जो परीक्षाओं को देकर के आते हैं, जो उन लोगों को उसका आंसर की, आप में से बहुत लोग देखे होंगे, आपके कई फ्रेंड ही लोग हैं जो उसके आंसर की मिलाते हैं और उनको पता चलता है कि कहाँ माइनर मिस्टेक हुआ है, तो माइनर मिस्टेक चेक करने के लिए ही क्वेश्चन पेपर मिलाया जाता है। कई लोग अपने फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर के दावा आपत्ति करते हैं। क्यों दावा आपत्ति करते हैं? क्योंकि उनको मालूम होता है कि उसके ऑथेंटिक सोर्स उन्होंने कहाँ से पढ़े, तब मालूम चलता है जब वो ऐसे एनालिसिस करते हैं।
आपको कई बार मैं बीच बीच में बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपके सीजीपीएससी प्री 2015-16 में आया, 16-17 में आया, 17-18 में आया। ये तब होता है जब उस क्वेश्चन पेपर को एक बार देखने से याद नहीं आता, जब उस पर 2-3 बार नज़र मारो तब वो चीज़ें याद रहती कि हाँ ये इस ईयर ये प्रश्न आया है। तो वैसा चीज़ आपको भी याद रखना है, उससे मालूम चलेगा। देखिए ऐसे मालूम नहीं चलता कि ये कौन सा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, किसी क्वेश्चन पेपर को आप बार बार देखते तब मालूम चलता है कि ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो मार्केट में बहुत सारे अनसॉल्व पड़े हैं, उस अनसॉल्व को उठाइए, सॉल्व करना चालू कीजिए। टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज इसलिए लाया गया है आपके माइंड को क्विक, आपका माइंड कैसे रिस्पॉन्स करता है एक क्वेश्चन को देख के, उसके लिए वो मिनिमम टाइम पे। और जितने लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट टेस्ट सीरीज में मतलब ज्वाइन किए, रजिस्टर्ड किए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उन लोग से निवेदन करूंगा कि केवल 2 घंटे में टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी ईमानदारी आपके साथ है, आपको अपने आप से कंपटीशन करना है, औरों से कंपटीशन नहीं करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके, टाइम लगा करके 2 घंटे में, देखिए थ्योरी पोर्शन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैथमेटिक्स में भले टाइम लगता होगा लेकिन जो जनरल स्टडी का क्वेश्चन है उसको दिमाग लगा करके एक बार में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसे फटाफट देखते जाइए, हाँ उसके आंसर टिक हो रहा है ठीक, जो बड़े क्वेश्चन है उसे छोड़ दीजिए, लास्ट के लिए छोड़ दीजिए उसे। पहले बार में पहली नज़रों में ही जो क्वेश्चन बन जाते हैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ नहीं, पीएससी के जो मेन पीएससी के पेपर हो गया या व्यापम के पेपर हो गया उसके लिए भी सलाह दे रहा हूँ, जो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है जिसे देखते से ही आपको उसका आंसर मालूम है उसको टिक कीजिए, आगे बढ़ते जाइए और उसे ओएमआर शीट पर फिट कर दीजिए पहले। उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है उस पर फिर दिमाग लगाइए, या फिर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, उसमें दिमाग लगा रहे 5 से 10 मिनट उसी में वेस्ट कर दिए, तो कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट में जो ईजी क्वेश्चन रहते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देते हुए सॉल्व कीजिएगा। पहले ध्यान दीजिएगा जो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी जो बिना कथन वाले जो क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उन्हें छोड़ दीजिए, जो वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें एक प्रश्न और 4 ऑप्शन दिए गए सिंपली, उन्हें सॉल्व कीजिए। एक नज़रों में जो सॉल्व होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बड़े क्वेश्चन को लास्ट में अटैम्प्ट कीजिएगा। लास्ट में मतलब एक बार पूरे 100 क्वेश्चन तक पहुँच जाइए, फिर दोबारा क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग 1 से चालू कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा, ऐसे नहीं कि शुरू से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बीच में। पहले बार में तो मैं बता रहा हूँ, पहले बार में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले बार में केवल 10 से 15 क्वेश्चन ही बनेंगे, उसका दूसरी बार फिर चालू कीजिए, तीसरी बार चालू कीजिए, चौथी बार, 5 बार में भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो 2 घंटे में इजीली आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। ज़रूरत नहीं है मेरे को बहुत सारे भीड़ इकट्ठा करने की, जितने लोग हैं सिंसियर तौर पे जो लोग देंगे केवल उतने लोगों की ही ज़रूरत है। फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी के लिए मार्केट में आपके 1000 से लेकर के 3000 से लेकर के 55, आपके 5000 रुपये 5500 तक के टेस्ट सीरीज कंडक्टर मैंने खुद देखा है, हमारे जो छत्तीसगढ़ में कंडक्ट हो रहे टेस्ट सीरीज। आपको जो फैसिलिटी चाहते हैं वो फैसिलिटी मिलेगा, 5000 रुपये तक के टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में ही, समझ रहे हैं। डेली मेरे पास कई व्हाट्सएप ग्रुप, इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूँ, वहाँ पे 5000-5000 रुपये तक के टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रहे हैं। तो समझिए मैं एक ही चीज़ को घुमा फिरा के नहीं, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री मैं चाहूँ तो इसको और बड़ा कर सकता हूँ, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, फिर प्राचीन भारत का इतिहास का एक पेपर, मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक पेपर, आधुनिक भारत के इतिहास का एक पेपर, ऐसे करके मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जितना टेस्ट पेपर में एक बार में अगर एक सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर हो रहा है, 100 क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, तो उस 100 क्वेश्चन को ऐसा टेस्ट पेपर बनाइए कि उसमें मतलब माइंड क्लिक होना चाहिए कि इसके आंसर क्या होंगे, डाउट्स आना चाहिए। क्वेश्चन पेपर एवरेज सेट किया जा रहा है, कुछ नए क्वेश्चन 10 से 15 या 20 क्वेश्चन कुछ नए मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रेंडिंग जो बहुत समय से चलते आ रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्योंकि जो बहुत समय से क्वेश्चन पेपर जो बहुत समय से जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन आगे भी रिपीट होंगे, ये गारंटी है। मैंने खुद देखा है इस चीज़ों को कि रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर फिर से दोबारा रिपीट हो रहा है, तो वैसा क्वेश्चन पेपर एक एवरेज क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है ठीक। तो मेरे हिसाब से लगभग सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। 15 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट, 15 अक्टूबर आपका रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है ठीक है। बाकी सीजीपीएससी ई पाठशाला का आपका आर्थिक सर्वेक्षण का भी पीडीएफ अवेलेबल है, जिस किसी को भी चाहिए पीडीएफ ले सकता है, सेम प्रोसेस है, पे कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, आपके मेल आईडी पर आ जाएगा।
कई लोगों ने मेल के थ्रू जो आपका पीडीएफ मिला था उसे शेयर करने की कोशिश की है, फंस भी चुके हैं, फाइन भर रहे हैं। कितना फाइन भर है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उनको चेतावनी देने के बावजूद भी उन्होंने किया, तो इस बार मैं किसी को छोड़ा नहीं हूँ। लगभग उनसे मैंने फ़ाइन वसूल किया ही है, ठीक, फाइन मैंने नहीं वसूल किया, फ़ाइन उनसे लीगली वसूल किया गया है, अब वो मेरे अकाउंट में आ भी गया है, ठीक। तो वो गलती करने का कोशिश मत कीजिएगा। टेस्ट पेपर है, आराम से बिना एकदम फ्री माइंड होकर के टेस्ट दीजिए, काफ़ी समय है। हर एक टेस्ट पेपर में लगभग आपके सप्ताह भर का, एक एक सप्ताह का आपका जो गैप दिया गया है, ताकि आप एक पेपर देने के बाद दूसरे पेपर का तैयारी कर सके करके, ठीक है। तो चलिए, टेस्ट पेपर का अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, प्रिपेयर होने के बाद ही टेस्ट दीजिएगा। बिना प्रिपरेशन के, केवल बस देखने के लिए कि मेरा पहले से ही ऑलरेडी मैं तैयारी कर चुका हूँ, सीधा मुंह उठा के टेस्ट देता हूँ, तो ऐसे टेस्ट देने से कोई मतलब नहीं। मैं गारंटी देता हूँ, नहीं, आप 20 से 25 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, टेस्ट पेपर वैसा सेट हो रहा है, ठीक। तो चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। टेस्ट से रिलेटेड और कोई भी डाउट होगा तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पर जेन्युइन डाउट ही पूछा कीजिए। हर छोटे मोटे डाउट को लेकर के आएंगे, कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़, टेस्ट पेपर में जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके डाउट है, उसे आप अपने स्तर पर ढूंढने का कोशिश कीजिएगा। जब नहीं मिले तभी मेरे पास आइएगा, समझ रहे। इतने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर हर कोई एक छोटे छोटे डाउट लेकर के भी आएगा ना, तो वो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। जेन्युइन डाउट लेकर के आइएगा, आप अपने स्तर पर ढूंढेंगे। जब आप एक डाउट को ढूंढने बैठेंगे तो उससे नए चीज़ों को आपको पढ़ने मिलेगा, एक नए चैप्टर को आप खोल के पढ़ेंगे, तो उससे आप ही का फायदा है, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। धन्यवाद।